यूपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो आज रायपुर पहुंच रहे हैं। यहां प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के साथ वे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन की तैयारी भी की जाएगी और इसकी समीक्षा भी की जाएगी। कांग्रेस अब केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 5 से लेकर 15 नवम्बर तक हल्ला बोल की तैयारी में है। ये विरोध कांग्रेस शासित प्रदेशों सहित दिल्ली में भी होगा। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं रायपुर से। हेमंत, केंद्र की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करने की तैयारी कर रही है और 5 से 15 तक हल्ला बोल की तैयारी की जा रही है, और इसके लिए तमाम जो दिग्गज नेता हैं, हम पर्यवेक्षक की बात करें या फिर पार्टी प्रभारी की बात करें, वो सभी लोग रायपुर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ खास होने वाला इस बैठक में? देखिए, जिस प्रकार से कुछ दिन पहले जो केंद्र की नीति है, चाहे वो चावल खरीदी को लेकर हो, जिस तरीके से चावल खरीदने केंद्र ने मना किया, उसके बाद से ही लगातार अब कांग्रेस आक्रामक हो रही है केंद्र सरकार के खिलाफ और उसी केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 5 से 15 नवंबर तक अलग अलग रूपों में केंद्र सरकार का विरोध किया जाएगा। आज जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं पीएल पुनिया, वो रायपुर पहुंच रहे हैं और एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर कांग्रेस की होगी, किस प्रकार से रूपरेखा होनी चाहिए आंदोलन की, वो उसकी तैयारी को लेकर यहां पर बैठक आज रखी गई है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम वो भी इसमें शामिल होंगे, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास महन भी रायपुर आ रहे हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है और एक महत्वपूर्ण कड़ी आज इसमें पता चल जाएगी कि किस प्रकार जो आंदोलन है उसकी रूपरेखा तय होगी। क्या लगता है, जिस तरह हम बात करें कि कुछ समय पहले जो आपने धान खरीदी का बताया कि उसको समर्थन मूल्य को लेकर जिस तरह की चर्चाएं की जा रही है और प्रधानमंत्री को लेटर लिखने की बात भी एक कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने मंच से कही थी, तो उसका भी क्या इस बैठक में चर्चा की जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर उसकी चर्चा की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार नहीं, दो बार अनुरोध प्रधानमंत्री से किया था कि वो यहाँ का जो चावल है वो खरीदे, और इसको लेकर उन्होंने अनुरोध भी किया था कि इस संबंध में वो उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। हालांकि उनके द्वारा कोई ऐसा जवाब प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं आया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मांग का समर्थन यहाँ की जो राज्यपाल है सुश्री अनुसुईया उइके, उन्होंने भी किया था और उन्होंने खुद एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखकर यह आग्रह किया था कि वो इस मांग को पूरा कर लें और जल्द ही जो धान खरीदी है वो करें, लेकिन किसी प्रकार की सकारात्मक चीजें हैं उधर से नहीं आई हैं। तो इसी को लेकर एक विरोध की रणनीति तैयार अब कांग्रेस करने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी को साझा करने के लिए।